मणिकरण साहब जी पहुंच गए हैं और यह है वीर जी है, यह आपको यहाँ की डिटेल दे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार सबको। बाबा मणिकरण साहब का जो फाउंडेशन है वो बाबा हरि नारायण ने किया है। बाबा हरि नारायण, यहाँ से ऊपर एक जगह पड़ती है नारायणपुरी, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। कितने सालों तक ये नहीं पता, बट हाँ आफ्टर दैट उसके बाद उन्होंने जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा था तो उन्हें ये पता था कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए हैं। गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना भी आए थे, जिन्होंने गर्म पानी का जो स्रोत है जिसको जियो थर्मल वाटर भी कहते हैं उसको उन्होंने प्रकट किया था यहाँ पर, यह कह करके कि यहाँ पर मर्दाना अगर तुम पत्थर हटाओगे उसका नाम लेकर के, जिसको शिवा एक ओंकार अल्लाह क्राइस्ट सब कहते हैं, एक ही नाम है, बल्कि उन्होंने जब हटाया था तो गर्म पानी का स्रोत निकला था। तो एक काइंड ऑफ मिरेकल है, बहुत ब्यूटीफुल मिरेकल है। नेचुरल हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे। ये गुरुद्वारा बाबा मणिकरण साहब के यहाँ 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। कमाल की बात है कि ये सबसे बहुत अच्छी जगह है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल है कि सब कुछ फ्री है यहाँ पे। खाना पीना रहना पार्किंग नहाना हर चीज़, किसी भी धर्म का बंदा आके रह सकता है, कोई भी धर्म का। यहाँ पर गुरुद्वारे के बगल में जब गुरुद्वारा नहीं स्थापित था तो बाबा हरि नारायण को बहुत दिक्कत करनी पड़ी थी फाउंडेशन ले करने के लिए, लेकिन फिर भी लोकल लोग के सपोर्ट से और सभी सिखों के मदद से यहाँ पे इन्होंने बनाया। शंकर भगवान का मंदिर भी है यहाँ पर, जिसको आप देख सकते हैं। ऊपर जाकर के थोड़ा 45 मिनट्स का ट्रैक पड़ता है नारायणपुरी का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि नारायणपुरी जगह है, विज़िट करें उसे भी, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। तो गाइज ये वीर जी ने हमें सब कुछ बता दिया, तो गाइज ये प्लेस इतनी अच्छी है कि आप एक बार आओगे तो सुकून पाओगे यहाँ पर, सब कुछ बेस्ट है यहाँ पर।